नमस्कार दोस्तों, चैनल पर आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा यानी कि दिखाऊंगा कि ऑनलाइन सीएससी का नया इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन के लिए कैसे अप्लाई किया जाता है। जी हां, मैं सीएससी के ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके प्रैक्टिकली अप्लाई करके आपको दिखाऊंगा कि सीएससी का नया इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन लेने के लिए कैसे अप्लाई किया जाता है। लेकिन उससे पहले मैं आपको बताऊंगा कि सीएससी का इलेक्ट्रिसिटी का नया कनेक्शन लेने के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगता है, यानी कि क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायरमेंट्स होती है, वो पहले बताऊंगा। उसके बाद मैं उनके साइट पे जाके आपको प्रैक्टिकली करके दिखाऊंगा कि एक सीएससी का नया इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन कैसे लेने के लिए क्या क्या फिल करना पड़ता है, कैसे अप्लाई करना पड़ता है। तो ये पार्ट वन वीडियो है। मैं इस वीडियो में बस आज यहीं तक बताऊंगा, पहला कि क्या डॉक्यूमेंट्स लगता है, दूसरा ये बताऊंगा कि ऑनलाइन कैसे अप्लाई करते हैं, क्या क्या फिल करना पड़ता है उनके साइट पे जाके। तो पार्ट वन वीडियो में मैं यहीं तक बताऊंगा। इसके बाद ऑनलाइन फॉर्म फिलअप करने के बाद यानी ऑनलाइन अप्लाई करने के बाद का जो प्रोसेस है वो मैं पार्ट टू वीडियो में बताऊंगा, क्योंकि एक ही वीडियो में टोटल चीज को कवर करना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि वीडियो बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा। और नॉर्मली वीडियो जब बहुत ज्यादा लंबा होता है तो व्यूअर्स जो है या तो वीडियो को स्किप करते हैं या वीडियो को नहीं देखते हैं। इसलिए मैं चाहता हूं कि पार्ट वन में सिर्फ आपको इतना ही बताऊं कि क्या डॉक्यूमेंट्स का रिक्वायरमेंट्स है और कैसे ऑनलाइन अप्लाई किया जाएगा, और पार्ट टू वीडियो में उसके बाद का प्रोसेस में बताऊंगा। देखिए, सीएससी का एक नया इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन लेने के लिए बहुत सारे स्टेप्स हैं, बहुत सारा प्रोसेस है। ऑनलाइन अप्लाई करने के बाद भी बहुत सारा स्टेप्स है जिसको फॉलो करना पड़ता है, बहुत सारा प्रोसेस है आगे जिसको कंप्लीट करना पड़ता है, तब जाके सीएससी का नया इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन मिलता है। तो चलिए पार्ट वन वीडियो में सबसे पहले मैं बताता हूं जैसे डॉक्यूमेंट्स क्या लगेगा। देखिए, डॉक्यूमेंट्स की बात करती है तो सबसे पहला जो डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर होगा, आप जहां पर सीएससी का इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन ले रहे हैं वहां पर ऑलरेडी अगर सीएससी का इलेक्ट्रिसिटी का कनेक्शन है, उसके अगल बगल में आस पड़ोस में माने एडजेसेंट जिसको बोलते हैं, सटा हुआ कोई भी इलेक्ट्रिसिटी का कनेक्शन है, तो उस इलेक्ट्रिसिटी का कनेक्शन का कंज्यूमर नंबर और मीटर नंबर आपको लगेगा सबसे पहला चीज। तो आप कंज्यूमर नंबर और मीटर नंबर कहां से आप प्राप्त करेंगे? देखिए, मीटर नंबर तो सीएससी के मीटर में भी लिखा रहता है, लेकिन कंज्यूमर नंबर आपको सीएससी के मीटर में लिखा हुआ नहीं मिलेगा। तो क्या है कि आपके आस पड़ोस में जो भी ऑलरेडी जो इलेक्ट्रिसिटी का जो मीटर है, अब उनका मंथली बिल अगर आप एक जेरोक्स कॉपी ले लेंगे तो उसमें आपको कंज्यूमर नंबर भी मिल जाएगा, मीटर नंबर भी मिल जाएगा। तो सबसे पहला जो रिक्वायरमेंट है नया अप्लाई करने के लिए, कंज्यूमर नंबर एंड मीटर नंबर ऑफ एडजेसेंट मीटर, यानी कि सटा हुआ जो आस पड़ोस का जो मीटर है उसका कंज्यूमर नंबर और मीटर नंबर लगेगा सबसे पहला, फर्स्ट रिक्वायरमेंट है। इसके बिना आप ऑनलाइन अप्लाई नहीं कर सकते हैं। अब दूसरा क्या है, दूसरा लगता है कि जिसके नाम से आप इलेक्ट्रिसिटी का कनेक्शन अप्लाई कर रहे हैं उनका कोई आईडी और एड्रेस प्रूफ। जी हाँ, आईडी और एड्रेस प्रूफ। आईडी एड्रेस प्रूफ में सिर्फ चार तरह के ही आईडी एड्रेस प्रूफ कंसीडर होगा, यानी सीएससी मांगती है, या तो आधार कार्ड, या तो वोटर आईडी कार्ड, या ड्राइविंग लाइसेंस, या पासपोर्ट। इसके अलावा अदर कोई आईडी या एड्रेस प्रूफ देंगे तो आपका काम नहीं होगा, आप ऑनलाइन अप्लाई नहीं कर पाएंगे। क्योंकि जब उनके साइट पर आप जब ऑनलाइन अप्लाई करने जाएंगे तो एड्रेस आईडी प्रूफ में सिर्फ ये चार ही ऑप्शन आपको नजर आएंगे, आधार कार्ड, वोटर कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट। इसके अलावा पांचवा कोई ऑप्शन आपको नजर नहीं आएगा। तो सेकंड डॉक्यूमेंट जैसे मैंने बता दिया कि या इधर आपको देना है आधार कार्ड या वोटर आईडी कार्ड या ड्राइविंग लाइसेंस या पासपोर्ट, इसके अलावा अदर कोई डॉक्यूमेंट्स होने से आप नया मीटर के लिए अप्लाई नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उनके साइट पर इन चार डॉक्यूमेंट्स के अलावा और कोई दूसरा ऑप्शन है ही नहीं, जो कि आगे मैं आपको दिखाऊंगा। तो ये चार डॉक्यूमेंट्स में से कोई एक डॉक्यूमेंट्स आप अपना दीजिएगा और साथ में अपने आसपास के जो मीटर का जो कंज्यूमर नंबर और मीटर नंबर है ये दीजिएगा। तो दो डॉक्यूमेंट्स हो गए। अब तीसरा डॉक्यूमेंट्स क्या लगता है, तीसरा डॉक्यूमेंट्स लगता है आप जिस जगह पर सीएससी का नया इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन ले रहे हैं वहां का जो लैंडलॉर्ड है, यानी कि जो मकान मालिक है या मकान मालकिन है, तो उनका कोई एक एड्रेस और आईडी प्रूफ सेम ही रहेगा, जैसे कि मतलब मैंने बताया वोटर आईडी कार्ड या आधार कार्ड या पासपोर्ट या ड्राइविंग लाइसेंस। तो लैंडलॉर्ड या लैंडलेडी यानी मकान मालिक या मकान मालकिन का एड्रेस और आईडी प्रूफ का एक जेरोक्स आपको लगेगा, ठीक है, जिस जगह पर आप मीटर लेना चाह रहे हैं।
और एड्रेस आईडी प्रूफ में चार ही चीज कंसीडर होगा, चार ही चीजें आप दे सकते हैं, या तो वोटर कार्ड दे सकते हैं, आधार कार्ड दे सकते हैं, या आप ड्राइविंग लाइसेंस दे सकते हैं, या पासपोर्ट दे सकते हैं। इसके अलावा पांचवा कोई ऑप्शन नहीं है, क्योंकि उनके साइट पे पांचवा कोई ऑप्शन आपको मिलेगा नहीं। तो ये हुआ। और अगर आप खुद ही मकान मालिक है या आपकी पेरेंटल संपत्ति है, तो आप जो भी जिनके नाम से ही मकान है, यानी कि मान लिया आप खुद ही मकान मालिक है, तो आप अपना ही जो है वोटर आईडी का नंबर या आधार का नंबर या पासपोर्ट का नंबर या जो भी आपका मैंने चार जो डॉक्यूमेंट्स बताया उनमें से किसी एक डॉक्यूमेंट्स का नंबर आप सबमिट कर देंगे अगर खुद ही मकान मालिक है। या मान लिया आपके फादर मकान मालिक है या आपके ग्रैंडफादर मकान मालिक है, तो उनका जो है आधार कार्ड, वोटर कार्ड, पासपोर्ट या ड्राइविंग लाइसेंस, उनमें से जो जो भी उनके पास अवेलेबल है उसका जो नंबर है आपको लगेगा, ठीक है। और मकान मालिक अगर दूसरा कोई है तो मैंने बताया उनका भी इन चारों में से कोई एक डॉक्यूमेंट लगेगा। तो अगर खुद मकान मालिक होते हैं तो काफी सुविधाजनक हो जाता है, ठीक है। क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि नया मीटर के लिए जब अप्लाई करते हैं तो कभी कभी क्या होता है मकान मालिक ऑब्जेक्शन करते हैं, रोक लगाते हैं, इस तरह की समस्याएं प्रैक्टिकली आती है। लेकिन अगर खुद मकान मालिक है ठीक है, और अगर कोई दूसरा कोई मकान मालिक है, आप रेंट पे रहते हैं, किराए पे रहते हैं, तो मकान मालिक का इन चारों में से कोई एक एड्रेस आईडी प्रूफ ले ले, जैसा कि मैंने इस वीडियो में बताया। तो ये तीन ही प्रकार के डॉक्यूमेंट्स आपको लगते हैं। फिर से मैं रिपीट करता हूं, पहला डॉक्यूमेंट्स मैंने बताया कि एग्जिस्टिंग या एडजेसेंट मीटर नंबर और कंज्यूमर नंबर एक, दूसरा डॉक्यूमेंट बताया कोई भी एक एड्रेस आईडी प्रूफ जिसमें कि आधार कार्ड हो सकता है, वोटर कार्ड हो सकता है, पासपोर्ट हो सकता है, ड्राइविंग लाइसेंस होता है हो सकता है, और तीसरा जो मैंने बताया कि मकान मालिक या मकान मालकिन का कोई एड्रेस या आईडी प्रूफ जिसमें वोटर कार्ड भी हो सकता है, आधार कार्ड भी हो सकता है, पासपोर्ट भी हो सकता है या ड्राइविंग लाइसेंस भी हो सकता है। और अगर खुद मकान मालिक है या आपके पेरेंट्स मकान मालिक है, तो उनका भी इन चारों में से कोई एक डॉक्यूमेंट लगेगा। तो तीन तरह के डॉक्यूमेंट्स आपको लगेगा ऑनलाइन अप्लाई करने में। अब दोस्तों एक चीज मैं बता दूं कि ऑनलाइन अप्लाई करने का मतलब ये नहीं है कि आपको सीएससी का, इलेक्ट्रिसिटी का कनेक्शन श्योर मिल जाएगा या 100% मिल जाएगा, या इसकी कोई गारंटी नहीं है। जी हाँ, इसकी कोई गारंटी नहीं है। देखिए, मैं कभी भी अपने वीडियो में देखिएगा कि मैं कोई कोई वाक्य, कोई कोई सेंटेंस को दो बार तीन बार बोलता हूं। इसलिए बोलता हूं कि मान लिया कई लोग क्या वीडियो को स्किप कर जाते हैं तो वो चीज सुन नहीं पाते हैं, या कई लोग क्या करते हैं कि वीडियो को कहीं ऐसी जगह पर देख रहे हैं जहां काफी शोर शराबा है, तो इसलिए सुन नहीं पाते। इसलिए जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स होता है वो मैं कभी कभी दो बार तीन बार रिपीट करके बोलता हूं, ताकि आप लोगों को वो मेन पॉइंट समझ में आए। तो यहां पर जो मेन पॉइंट मैं आपको बता रहा हूं कि अगर आप ऑनलाइन अप्लाई करते हैं सीएससी का, इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन के लिए, तो इसकी कोई गारंटी नहीं है कि सीएससी आपको इलेक्ट्रिसिटी का कनेक्शन दे देगी। मैंने रिपीट किया सेकेंड टाइम, फिर एक बार मैं आपको रिपीट करता हूं कि मैं अपने व्यूअर्स को, अपने सब्सक्राइबर को कभी मिस गाइड नहीं करना चाहता, मैं प्रॉपर गाइड करना चाहता हूं। मेरा चैनल का मकसद यही है कि आपको गाइड करना, आपको कुछ सिखाना, आपको कुछ सूचना देना। तो मैं फिर से रिपीट करता हूं कि सीएससी का अगर ऑनलाइन इलेक्ट्रिसिटी का कनेक्शन के लिए आप अप्लाई करते हैं, तो इसकी कोई गारंटी नहीं है या इसकी कोई स्योरिटी नहीं है कि आपको इलेक्ट्रिसिटी का कनेक्शन मिल ही जाएगा। इसका कोई गारंटी या स्योरिटी नहीं है। यह डिपेंड करता है सीएससी का कुछ पैरामीटर्स है और सीएससी का कुछ रूल रेगुलेशन है। अगर आप ऑनलाइन अप्लाई करने के बाद सीएससी के पैरामीटर्स के हिसाब से और सीएससी के रूल रेगुलेशन के हिसाब से अगर सब कुछ ठीक है, तभी आपको इलेक्ट्रिसिटी का कनेक्शन मिल पाएगा। अगर सीएससी के पैरामीटर्स और उनका रूल रेगुलेशन के हिसाब से अगर आपने जो अप्लाई किया वो नहीं कंप्लीट हो पा रहा, उनका रूल रेगुलेशन के हिसाब से, यानी कि उनका रूल रेगुलेशन और पैरामीटर्स का अनुकूल अगर नहीं है, तो आपका एप्लीकेशन रिजेक्ट भी हो सकता है। जी हाँ, फिर से मैं रिपीट करता हूं कि इलेक्ट्रिसिटी का कनेक्शन तभी मिलेगा अगर आप सीएससी का पैरामीटर्स और उनका रूल रेगुलेशन के अनुकूल जो है आप काम कर रहे हैं, रूल रेगुलेशन का अनुकूल आपने अप्लाई किया है और पैरामीटर्स का अनुकूल, तभी आपको कनेक्शन मिल पाएगा। इसीलिए मैंने कहा कि ये श्योरिटी नहीं है कि आपको कनेक्शन मिल ही जाएगा, या गारंटी नहीं है कि आपको कनेक्शन मिल ही जाएगा। इसमें यहाँ पर कंडीशन यह है कि उनका पैरामीटर्स और उनका रूल रेगुलेशन अनुकूल होना चाहिए, तभी आपको एक नया इलेक्ट्रिसिटी का कनेक्शन मिल पाएगा। ठीक है दोस्तों,
तो चलिए अब आगे और ज्यादा टाइम न वेस्ट करते हुए मैंने एक चीज को दो दो बार इसलिए रिपीट किया ताकि आप लोगों को समझ में आया। अगर वीडियो स्किप भी कर दे तो मैं दो तीन बार रिपीट करता हूं ताकि स्किप करे तो जो मेन पॉइंट मैं बोलना चाह रहा हूं वीडियो में वो आपको ध्यान में रहे या ध्यान में आए, स्किप भी करे तो वो चीज आप सुन पाए ताकि पूरी चीज को समझ पाए। तो मैंने बता दिया क्लियरली, मैं अपने वीडियो में हर व्यूअर्स को हर सब्सक्राइबर्स को क्लियर चीज ही बताता हूं। अब चलिए ऑनलाइन कैसे अप्लाई किया जाएगा, डायरेक्ट उनके वेबसाइट पर चलते हैं और दिखाते हैं कि ऑनलाइन कैसे सीएससी का नया इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन के लिए अप्लाई किया जाएगा। पूरा प्रोसेस मैं दिखाता हूं, तो वीडियो पे कृपया आगे बने रहें। तो दोस्तों सीएससी का नया इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन अप्लाई करने के लिए सबसे पहले आपको सीएससी का जो ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर जाना होगा, जिसका एड्रेस है www.cesc.co.in। देखिए इस समय मैं उनके ऑफिशियल वेबसाइट पे हूँ, तो उनका ऑफिशियल वेबसाइट का इंटरफेस कुछ इस तरह का है जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। अब उनके इस वेबसाइट पे जाने के बाद देखिए राइट साइड में कुछ ऑप्शंस दिए हुए हैं, कुछ मेनूज दी हुई हैं जिसमें जिसका हेडिंग है क्विक लिंक्स, हेडिंग में लिखा हुआ है क्विक लिंक्स, उसके अंडर में कुछ मेनूज हैं। थोड़ा जूम करके दिखाता हूँ ताकि आपको क्लियर दिखे। देखिए सबसे पहले जो मेनू है क्विक बिल पे, उसके बाद व्यू ऑब्लिक प्रिंट बिल, उसके बाद पास्ट कंजम्पशन रिकॉर्ड, इस तरह से काफ़ी सारे मेनूज हैं। तो हमें यहाँ पर जिस मेनू में जाना है वो है न्यू कनेक्शन एडिशनल लोड शिफ्टिंग। देखिए यहाँ ये मेनू दिख पा रहा है न्यू कनेक्शन एडिशनल लोड शिफ्टिंग, तो इस मेनू में जाके आप नया कनेक्शन के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं, एडिशनल लोड के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं और शिफ्टिंग के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। तीनों चीज़ आप यहीं से अप्लाई कर पाएंगे इसी ऑप्शन पे क्लिक करके। तो चलिए हम इस पर क्लिक करते हैं। तो क्लिक करने के बाद देखिए फिर एक चीज़ हमारे सामने खुल के आया, यहाँ हमको लॉगिन करने के लिए बोला जा रहा है, लॉगिन हेयर। क्लियरली देख पा रहे हैं यहाँ लिखा हुआ है लॉगिन हेयर, लॉगिन हेयर, ठीक है लॉगिन हेयर। ध्यान से देखिए और मैं हर चीज़ बड़ी बारीकी से बता रहा हूँ। देखिए लॉगिन करने के लिए सबसे पहले ईमेल आईडी मांगा जा रहा है और पासवर्ड मांगा जा रहा है। तो आप फर्स्ट टाइम अगर उनके वेबसाइट पर जाके रजिस्टर्ड कर रहे हैं तो आपके पास लॉगिन आईडी यानी कि ईमेल आईडी और पासवर्ड तो होगा नहीं, तो इसलिए आपको करना क्या है, सबसे पहले न्यू यूज़र रजिस्टर यानी खुद को पहले रजिस्टर करना होगा, ठीक है। और अगर आप पहले से रजिस्टर्ड होते तो डायरेक्ट आप अपना ईमेल आईडी और अपना पासवर्ड डालते और सीधा लॉगिन पे क्लिक करते हैं तो आप लॉगिन हो जाते। लेकिन आप फर्स्ट टाइम अगर यूज कर रहे हैं तो देखिए ऑप्शन और जूम करता हूँ, न्यू यूज़र रजिस्टर्ड, न्यू यूज़र रजिस्टर्ड लिखा हुआ है, सबसे पहले आपको इस पर क्लिक करना है, क्लिक करके खुद को रजिस्टर्ड करना है। तो मैंने क्लिक किया, क्लिक करने के बाद एक और पेज खुल के आया। अब यहाँ पर आपको कुछ डिटेल्स देना है, जैसे कि देखिए मांग रहा है ईमेल, नाम, परमिशंस नंबर, स्ट्रीट, सिटी, पिन कोड, मोबाइल नंबर और उसके बाद में क्या लिखा हुआ है सी एस सी एम्प्लॉई टू बी टिक्ड बाय सी एस सी। अगर आप सी एस सी एम्प्लॉई है तो इस बॉक्स के अंदर टिक कर सकते हैं, देखिए इस बॉक्स के अंदर इस तरह से टिक कर सकते हैं जैसा मैंने अभी टिक कर दिया देखिए। और अगर सी एस सी एम्प्लॉई नहीं है तो इसे टिक मत करिएगा, इसे ऐसे ही छोड़ दीजिएगा। तो मैं आपको दिखाने के लिए जस्ट टिक किया, इसको ऐसे ही छोड़ दीजिएगा। तो यहाँ पर इन सारे ऑप्शंस के अलावा आप देख पा रहे हैं यहाँ लिखा हुआ सी एस सी एम्प्लॉई होने से यहाँ टिक करने के लिए बोल रहा है, इसके अलावा पब्लिक म्यूनसिपल बॉडी होने से आपको यहाँ टिक करना है इस बॉक्स के अंदर, अदरवाइज इसको टिक मत करिएगा, ठीक है। तो अब ये जैसे कि ईमेल, नाम, सारा कुछ आपको इधर फिल करना है, राइट साइड में देखिए फिल करने का स्पेस दिया हुआ है, सारा कुछ इस बॉक्स में फिल करना है। चलिए फिल करते हैं।
और फिल करने के बाद डायरेक्टली आपको यहाँ सबमिट बटन पे क्लिक करना है तो आप रजिस्टर्ड हो जाएंगे। तो चलिए मैं फिल करके सबमिट करता हूँ और उसके बाद दिखाता हूँ कि क्या हो रहा है। देखिए दोस्तों, मैंने फिल करके सबमिट किया, सबमिट करने के बाद एक मैसेज आया, जब स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे क्लियरली, इस मैसेज में लिखा हुआ योर पासवर्ड हैज़ बीन सेंड टू द मेल बॉक्स हैविंग ईमेल आईडी दिस 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 एंड योर रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर, प्लीज़ लॉग इन विथ दैट पासवर्ड एंड चेंज द सेम ऑन योर फर्स्ट विजिट। यानी कि सबमिट करने के बाद ये मैसेज आया और मैसेज में बोला जा रहा है कि लॉग इन करने के लिए जो पासवर्ड है आपके ईमेल आईडी पर भी भेज दिया गया है और इसके साथ साथ आपके मोबाइल नंबर पर भी भेज दिया गया है। यानी कि उस वहाँ पर जो आपने ईमेल आईडी फिल किया है और जो मोबाइल नंबर फिल किया है उसी ईमेल आईडी उसी मोबाइल नंबर पर पासवर्ड आपको भेज दिया गया है। और आपसे यह भी बोला जा रहा है कि अब आप पहले लॉगिन कर ले, जो पासवर्ड आपके ईमेल आईडी या मोबाइल नंबर पर भेजा जा रहा है लॉगिन करने के बाद आप पासवर्ड चेंज कर लें। यानी फर्स्ट टाइम अगर आप यूज़ कर रहे हैं तो फर्स्ट टाइम आप पहले इन्होंने जो पासवर्ड भेजा है उससे लॉगिन करें और आप पासवर्ड को चाहें तो चेंज कर सकते हैं या चेंज कर लें। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब फिर से हमें वही CSC की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना होगा क्योंकि अब मेरा पासवर्ड जो है से मेरे मेल में आ गया और मोबाइल में आ गया है। तो पासवर्ड पहले आप कहीं नोट डाउन कर लें। ठीक है, अब पासवर्ड नोट डाउन करने के बाद फिर से मैं CSC की उसी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाऊँगा और अब मैं लॉगिन करूँगा। तो देखिए दोस्तों, फिर मैं CSC के ऑफिशियल वेबसाइट पर गया, फिर स्टेप बाय स्टेप जैसे मैंने बताया था फिर वैसे करते हुए फिर मैं इस जगह पर आया जहां लिखा हुआ है लॉगिन हेयर। ठीक है, तब मैं यहां ईमेल आईडी अपना दूंगा और मेरे ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर में पासवर्ड दिया गया मैं यहां एंटर करूंगा और उसके बाद लॉगिन पे क्लिक करूंगा। चलिए याद रखें, पासवर्ड आपको मैंने फिर रिपीट कर रहा हूं कि आपके मोबाइल नंबर पर भी भेजा जाएगा और आपके ईमेल आईडी पर भेजा जाएगा। तो जैसा कि मेरे मोबाइल पे भी पासवर्ड आया है, ईमेल पे भी आया है, तो जो पासवर्ड आया है वही पासवर्ड यहाँ पर एंटर करना है CSC की तरफ से जो पासवर्ड भेजा गया है, और आपने फॉर्म जो फिल करते समय जो ईमेल आईडी दिया है उसको यहाँ आप फिल करेंगे। तो चलिए अब हम इसको लॉगिन करते हैं, अपना ईमेल आईडी और पासवर्ड देके इसको लॉगिन करते हैं। तो मैंने अपना ईमेल आईडी और पासवर्ड फिल कर दिया, अब मैं लॉगिन पे क्लिक करता हूँ लॉगिन। तो अब मैं लॉगिन हो रहा हूँ, देखिए मैं लॉगिन हो गया। लॉगिन होने के बाद आपको कुछ इस तरह का एक पेज खुल के आएगा। तो यहाँ पर लिखा हुआ है देखिए न्यू एप्लीकेशन और उसके ऊपर में एक लिखा हुआ है दोस्तों की ध्यान दीजिएगा एग्जिस्टिंग फॉर्म नंबर दिस। इसके पहले मैंने एक अपने रिलेटिव का ऑनलाइन अप्लाई कर दिया था और उनका मीटर भी आ गया, तो इसीलिए ये रिकॉर्ड में शो कर रहा है। खैर इससे आपको कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, आपको यहाँ जो न्यू एप्लीकेशन है उस पर फ्रेश क्लिक करना है। तो आप इस न्यू एप्लीकेशन पर क्लिक करेंगे, न्यू एप्लीकेशन। अब यहाँ देखिए, अब इनका जो फॉर्म खुल के आ गया, अब इसको फिल करना है। देखिए ऊपर लिखा हुआ है ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर न्यू कनेक्शन। सबसे पहला जो चीज़ है देखिए ऑप्शन है, बोल रहा है रिक्वेस्ट फॉर। तो यहाँ आपको कुछ ऑप्शंस मिलेंगे, सिलेक्ट करना है, जैसे कि न्यू कनेक्शन वेयर सप्लाई डज नॉट एग्जिस्ट, न्यू मीटर वेयर सप्लाई एग्जिस्ट। तो इस तरह से कोई एक ऑप्शन को चूज़ करना है, सबसे पहला जो यहाँ पर ऑप्शन है इसमें। अब एक बार बताता हूँ शॉर्ट में कि क्या है ये। देखिए आप कैसे, जैसे लिखा हुआ न्यू कनेक्शन वेयर सप्लाई डज नॉट एग्जिस्ट, यानी कि आप CSC का कनेक्शन कहीं कोई ऐसी जगह पर लेना चाहते हैं जहाँ पर CSC का ऑलरेडी सप्लाई नहीं है, CSC का आसपास में कहीं मीटर या कहीं CSC का सप्लाई उस जगह एरिया में नहीं है, तो आप पहला वाला ये ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे सप्लाई डज नॉट एग्जिस्ट। और अगर मान लिया आप ऐसे जगह CSC का इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन लेना चाहते हैं जहाँ पर उनका सप्लाई है ऑलरेडी है, तो वहाँ ये ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे न्यू मीटर वेयर सप्लाई एग्जिस्ट। ठीक है, इसके अलावा एक्सटेंशन ऑफ लोड फॉर एग्जिस्टिंग कंज्यूमर, यानी कि अगर आप ऑलरेडी आपके पास मीटर है और अपना लोड को आप बढ़वाना चाहते हैं
तो आप इसके लिए ये ऑप्शन क्लिक करेंगे। शिफ्टिंग ऑफ सर्विस, शिफ्ट करने के लिए आप एक ऑप्शन क्लिक करेंगे। अल्टरनेटिव ऑफ सर्विस के लिए क्लिक करेंगे। तो खैर बाकी के जो नीचे के जो ऑप्शन है फिलहाल उसकी कोई ज़रूरत नहीं है, आपको इन्हीं दोनों में से कोई एक सिलेक्ट करना है। आइदर आप सिलेक्ट करेंगे न्यू कनेक्शन वेयर सप्लाई डज नॉट एग्जिस्ट, या आप सिलेक्ट करेंगे न्यू मीटर वेयर सप्लाई एग्जिस्ट। इन्हीं दोनों में से कोई और एक ऑप्शन सिलेक्ट करना है कि आप जिस जगह मीटर मंगवा रहे हैं वहाँ ऑलरेडी सप्लाई है या नहीं है। तो चलिए मैं यहाँ क्लिक करता हूँ सेकेंड वाला ऑप्शन, न्यू मीटर वेयर सप्लाई एग्जिस्ट। चलिए इसको क्लिक करते हैं, यानी कि सिलेक्ट कर लेते हैं। देखिए उसके बाद सिलेक्ट करने के बाद इधर बोल रहा है इधर एक चीज़ और बॉक्स में मांगा जा रहा है एडजेसेंट कंज्यूमर नंबर। जैसा कि मैंने वीडियो में बताया था इसके पहले कि आपको एडजेसेंट कंज्यूमर नंबर आपको लगेगा, यानी कि आपसे सटा हुआ आपके आसपास में जो इलेक्ट्रिसिटी का कनेक्शन है उसका जो है कंज्यूमर नंबर आपको लगेगा। मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में ही ये चीज़ पहले ही बताया था। उसके बाद आपको यहाँ पर ये फिल करने के बाद इसके बगल में जाएंगे तो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है मीटर नंबर भी लगेगा। यहाँ आपको मीटर नंबर इस बॉक्स में फिल करना है। तो आपको जैसे मैंने पहले बताया था कि एडजेसेंट एग्जिस्टिंग कंज्यूमर नंबर लगेगा, इस बॉक्स में फिल करना है। और इसके बाद आगे चलें तो मीटर नंबर आपको इस बॉक्स में फिल करना है। देखिए यहाँ मीटर नंबर लिखा हुआ है और मीटर नंबर आपको यहाँ इस बॉक्स में फिल करना है। तो आपके आसपास में जिसका भी इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन है उनका अगर बिल आप ले लेते हैं, उनका मंथली जो इलेक्ट्रिसिटी का बिल है उसमें आपको कंज्यूमर नंबर और ये मीटर नंबर दोनों मिल जाएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, अदरवाइज़ आपका काम आगे नहीं बढ़ पाएगा क्योंकि ये लगेगा। देखिए मैंडेटरी फील्ड है, रेड स्टार मार्क दिया हुआ है, ये देना ही है, इसलिए मैंने वीडियो के आगे पहले ही इस चीज़ को क्लियर कर दिया था। अब यहाँ से आपको डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करना है, डिस्ट्रिक्ट तो यहाँ पर क्लिक करके अपना डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करें, कोई भी एक डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट कर लें। इस पर क्लिक करेंगे आपका डिस्ट्रिक्ट आ जाएगा, लेकिन तभी आएगा जब आप यहाँ पर एडजेसेंट कंज्यूमर नंबर और मीटर नंबर ऑलरेडी फिल कर देंगे तो आएगा डिस्ट्रिक्ट। तो डिस्ट्रिक्ट के बाद अभी यहाँ आपको फ्लैट नंबर दिख रहा है, यहाँ फ्लैट नंबर फिल करना है, यहाँ फ्लोर नंबर फिल करना है, यहाँ अपार्टमेंट नेम, सोप नेम इफ़ एनी, यहाँ आपको अपार्टमेंट नेम अपना अपार्टमेंट का नाम, और यहाँ दुकान है तो दुकान का नाम देना है। उस पर यहाँ रोड स्ट्रीट लेन जो भी है आपको यहाँ से सिलेक्ट करना है। उसके बाद आपको यहाँ पर अपना टाउन सिटी, देखिए लिखा हुआ जैसे टाउन सिटी डिस्ट्रिक्ट, तो अपना टाउन सिटी डिस्ट्रिक्ट जो भी है यहाँ मेंशन करना है। उसके बाद आपको नियरेस्ट लैंप पोस्ट नंबर फॉर OH, तो देखिए ये कोई मैंडेटरी नहीं है, ये जनरली आप लोगों को पता नहीं होगा कि आपका नियरेस्ट लैंप पोस्ट नंबर क्या है। तो इस चीज़ ये जो लिखा हुआ नियरेस्ट लैंप पोस्ट नंबर फॉर OH तो इसको आप छोड़ दीजिएगा, यहाँ कुछ आपको फिल करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, क्योंकि नियरेस्ट लैंप पोस्ट नंबर जनरली लोगों को पता नहीं होता है। उसके बाद इंटेंशन फॉर एप्लीकेशन टू बियर द कॉस्ट ऑफ मीटर, यानी कि बोल रहा है कि आप जो मीटर कनेक्शन ले रहे हैं तो मीटर का कॉस्ट आप बियर करना चाहते हैं या नहीं बियर करना चाहते हैं, ये चीज़ पूछा जा रहा है। तो मैं सजेस्ट करूँगा आप मीटर का कॉस्ट बियर करें, और यहाँ नो के जगह पर आप इसको देखिए नो किया हुआ है बाई डिफ़ॉल्ट नो, इसको आप यस सिलेक्ट कर दे। देखिए इसको क्लिक करेंगे यस ऑप्शन आएगा, तो यस वाला ऑप्शन पर क्लिक कर दे, यस को सिलेक्ट कर लें। बोला जा रहा है, फिर से मैं रिपीट करता हूँ, इंटेंशन ऑफ एप्लीकेशन टू बियर द कॉस्ट ऑफ मीटर, यानी कि आपका इंटेंशन जो है मीटर का जो कॉस्ट है वो ये करने के लिए आप मीटर का कॉस्ट बियर करने का आपका इंटेंशन है तो यस, अदरवाइज नो, लेकिन यस ही करिएगा, ये मैं आपको सजेस्ट करता हूँ, आगे आपको इससे फ़ायदा मिलेगा। चलिए आगे देखते हैं नियरेस्ट लैंडमार्क, आपको फिर यहाँ पर अपना नियरेस्ट लैंडमार्क फिल करना है। उसके बाद कलर ऑफ द हाउस का कलर फिल करना है। तो इस राइट साइड में जो जो फिल करना है यहाँ तक मैंने बता दिया, अब इसके लेफ्ट साइड में क्या क्या है
जैसे कि पहले मैंने बताया था, लेफ्ट साइड में आपको क्या क्या मिल जाएगा देखिए, ये देखिए जैसे बताया था मीटर नंबर, उसके बाद में ब्लॉक नंबर अगर कुछ हो तो, उसके बाद में परमिशंस नंबर, उसके बाद में पिन कोड, माने इधर लेफ्ट साइड में भी है और राइट साइड में भी आपको कुछ ऑप्शन है, सारा फिल करना होगा, ठीक है। पिन कोड और जितना स्टार मार्क है सब मैंडेटरी है। पिन कोड डालेंगे, फिर रिक्वायरमेंट फॉर यहाँ से सिलेक्ट करेंगे, रिक्वायरमेंट फॉर एक ऑप्शन है तो यहाँ से आपको ऑप्शन सिलेक्ट करना है। देखिए डोमेस्टिक कमर्शियल इंडस्ट्रियल, तो यहाँ आप डोमेस्टिक कनेक्शन के लिए अप्लाई कर रहे हैं या कमर्शियल के लिए अप्लाई कर रहे हैं या इंडस्ट्रियल के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो मैं डोमेस्टिक का प्रोसेस बता रहा हूँ इसलिए डोमेस्टिक का आप सिलेक्ट करिएगा। उसके बाद में यहाँ पर आपको न्यू और एडिशनल लोड इन किलोवाट, आपको कितने किलोवाट लोड की ज़रूरत है आप यहाँ पर फिल करिएगा, ठीक है। तो लगभग आप यहाँ सजेस्ट करता हूँ कि 300 किलोवाट के आसपास रहने दीजिएगा, उससे ज़्यादा आप देखिए क्या बोला जा रहा है, फुल लोड अप 127.50 के वी एंड अबव विजिट द वेबसाइट, यानी कि 127.50 के वी से ज़्यादा लोड चाहते हैं तो वो दूसरा उसका प्रोसीजर है, इसलिए आपको 300 नहीं करीब करीब 125, देखिए 125 ले लेगा, 125 ही दीजिएगा, इससे ज़्यादा आप करने का कोशिश मत करिएगा क्योंकि फिर एडिशनल कुछ फॉर्मेलिटीज है पूरा करना होगा। यह मांगा जा रहा है किलोवाट में, तो 125 किलोवाट जो होता है वो बहुत ज़्यादा होता है, इसमें काफ़ी चीज़ आप यूज़ कर सकते हैं इलेक्ट्रिसिटी का, ठीक है। और यहाँ देखिए मेजरमेंट पे लिखा हुआ 1 किलोवाट इज इक्वल टू 100 वाट, तो हमने 125 किलोवाट दिया, यानी कि आपको जो वाट है कई गुना कितना ज़्यादा है समझ लें, ठीक है। तो इस तरह से इस साइड में जो चीज़ है आपको ये फिल करना है। उसके बाद में डिस्टेंस फ्रॉम लैंडमार्क मीटर वो देना है, नंबर ऑफ स्टोर्स ने कितने माले का बिल्डिंग है यानी कितने फ्लोर्स हैं, उसके बाद एनी अदर इन्फॉर्मेशन जो भी है। तो इस तरह से आप इस फॉर्म के राइट साइड और लेफ्ट साइड में जो फिल करना है फिल कर लेंगे। अब देखिए अब यहाँ से फॉर्म के इस पार्ट से अब कुछ और चीज़ शुरू होता है। यहाँ क्या लिखा हुआ है, टू हेल्प अस सर्व यू बेटर काइंडली फर्निश फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स, अब यहाँ फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन, अब यहाँ कुछ और इन्फॉर्मेशन मांगा जा रहा है, तो ऊपर वाला पार्ट में मैंने फिलअप कर दिया। अब यहाँ पर मांगा जा रहा है नेम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, नेम या नेम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, तो जो भी है जिसके नाम से मीटर अप्लाई कर रहा है उनका नाम यहाँ फिल कर दीजिएगा, उनका डेट ऑफ बर्थ यहाँ से सिलेक्ट कर लीजिएगा, उनका मोबाइल नंबर दे दीजिएगा और इनका ईमेल आईडी दे दीजिएगा। दोस्तों मैं बार बार बोलता हूँ ईमेल आईडी या मोबाइल नंबर ज़रूर दीजिएगा, क्योंकि जो भी पासवर्ड होता है या जो भी फर्दर कम्युनिकेशन होता है CSC आपके ईमेल आईडी पर ही भेजती है, ठीक है। जो भी कम्युनिकेट करेगी CSC आपको भाया मेल ही करेगी, ठीक है। तो इसलिए मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी ज़रूर दे दें, अल्टरनेटिव ईमेल आईडी कुछ है तो भी दे सकते हैं। अब उसके बाद में आपको यहाँ पर मांग रहा है अकाउंट नंबर, आपका बैंक अकाउंट नंबर, बैंक नेम, ठीक है। तो बैंक अकाउंट नंबर मैंडेटरी नहीं है, आप दे भी सकते हैं नहीं भी दे सकते हैं, ब्रांच, व्हाट्सएप नंबर, और अब जो है ये सारा चीज़ इसमें फिल कर देना। इधर देखिए अब राइट साइड में क्या है, मोबाइल नंबर 1, इधर है डेट ऑफ बर्थ, इधर है मोबाइल नंबर 1 और इसके इधर है मोबाइल नंबर 2। इस तरह से सारा कुछ आपको फिल करना है। लैंडलाइन नंबर अगर कुछ है तो इस बॉक्स में आप लैंडलाइन नंबर अपना मेंशन करिएगा, ठीक है। बैंक नेम, IFS कोड, तो देखिए बैंक का डिटेल्स देना कोई मैंडेटरी नहीं है, जैसे बैंक अकाउंट नंबर, ब्रांच नेम मांग रहा है और इसके बाद में इसके राइट साइड में मांग रहा है आपसे बैंक नेम और IFS कोड, ये कोई ज़रूरी नहीं है, आप दे भी सकते हैं या नहीं भी दे सकते हैं। उसके बाद व्हाट्सएप नंबर, यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर, आप देखिए मैंने आपको बताया था कि अप्लाई करने में सिर्फ 4 ही तरह के डॉक्यूमेंट्स आप दे सकते हैं, एड्रेस प्रूफ, आईडी प्रूफ के जगह तरफ एड्रेस और आईडी प्रूफ के तौर पर आधार कार्ड, वोटर कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, आधार कार्ड, वोटर कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट। तो मैंने वीडियोस को शुरू करने के पहले ही, जैसे ही मैंने वीडियो को शुरू किया, मैंने पहले ही आपको बता दिया था कि अगर CSC का नया इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन लेना चाहते हैं
तो आपको एड्रेस आईडी प्रूफ में या तो आपके पास आधार कार्ड होना चाहिए या वोटर आईडी कार्ड होना चाहिए या ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए या पासपोर्ट होना चाहिए। इसके अलावा अदर कोई भी डॉक्यूमेंट सीएससी नहीं लेगी, क्योंकि उनके यहाँ पर इन चार के अलावा और कोई डॉक्यूमेंट्स का ऑप्शन है ही नहीं। तो दोस्तों, अगर इन चारों में से कोई डॉक्यूमेंट्स आपके पास नहीं है तो सबसे पहले इन चारों में से कोई एक डॉक्यूमेंट्स बनवा लें, या आधार कार्ड बनवा लें, या वोटर कार्ड बनवा लें, या ड्राइविंग लाइसेंस बनवा लें, या पासपोर्ट बनवा लें। उसके बाद सीएससी का इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन के लिए अप्लाई करें, क्योंकि मैंने पहले बता दिया इन चार डॉक्यूमेंट्स के अलावा अदर कोई डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर आपको नहीं दिख रहा, ऑप्शन में नहीं दिख रहा है। तो अब ये चार डॉक्यूमेंट्स ही लगेंगे, इनमें से कोई एक ही आपको देना है, इसके अलावा कोई दूसरा डॉक्यूमेंट नहीं चलेगा। चलिए, अब आपको मैंने सपोज सिलेक्ट किया यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर, जिसमें जैसे सपोर्ट किया मैंने सिलेक्ट किया आधार कार्ड। जैसे ही आधार कार्ड सिलेक्ट करूँगा तो उसका यहाँ पर लिखा हुआ आइडेंटिफिकेशन नंबर, तो यहाँ आपको अपना आधार नंबर एंटर करना है, ठीक है। अगर मान लिया मैंने यहाँ सिलेक्ट किया वोटर कार्ड, तो वोटर कार्ड अगर सिलेक्ट करेंगे तो इस जगह पर आइडेंटिफिकेशन नंबर पे हमको यहाँ पर वोटर आईडी देना है। तो जो डॉक्यूमेंट्स हम सिलेक्ट करेंगे उसका नंबर हमें यहाँ पर इस बॉक्स में हमें देना है। अब उसके बाद चलिए आगे, लैंडलॉर्ड नेम, जैसा मैंने बताया था लैंडलॉर्ड नेम का मतलब होता है कि मकान मालिक का नाम, यानी कि अगर आप रेंट पर जिस जगह इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन मंगवा रहे हैं वहाँ पर अगर रेंट पर रहते हैं तो अपने मकान मालिक का नाम आप इस बॉक्स में क्लियरली लिखें, ठीक है। और अपने मकान मालिक का जो यूनिक आइडेंटिफिकेशन टाइप है, जैसा कि मैंने बताया था आधार कार्ड या वोटर कार्ड या ड्राइविंग लाइसेंस या पासपोर्ट, कोई एक डॉक्यूमेंट्स ले लें और यहाँ सिलेक्ट कर लें। सपोज़ करिए आपने मकान मालिक का वोटर कार्ड लिया तो इनका वोटर कार्ड का नंबर यहाँ मेंशन कर दें, या आप मान लिए मकान मालिक का आपने आधार कार्ड लिया तो आप आधार कार्ड का नंबर यहाँ मेंशन कर दें। जो डॉक्यूमेंट्स लेंगे उनका नंबर मेंशन करना है और साथ में यहाँ पर मकान मालिक का नाम आपको लिख देना है। और अगर खुद ही मकान मालिक है तो आप अपना ही नाम लिख दें और अपना ही आइडेंटिफिकेशन नंबर दे दें, या आपका पेरेंटल प्रॉपर्टी है, आपके पेरेंट्स की प्रॉपर्टी है तो अपने पेरेंट्स का जिनके नाम से प्रॉपर्टी उनका नाम दे दें और उनका कोई यूनिक आईडी दे दें, ठीक है। इसके अलावा कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट करके पूछिएगा, कहीं कंफ्यूजन हो तो पूछिएगा, मैं गाइड कर दूंगा। उसके बाद देखिए यहाँ टर्म एंड कंडीशन लिखा हुआ, I/we अंडरस्टैंड दैट फॉर द ऑनलाइन एप्लीकेशन इन प्लेस ऑफ my/our सिग्नेचर्स एज अपेयरिंग इन दिस फॉर्म। इस तरह से पूरा आपको एक टर्म एंड कंडीशन लिखा हुआ है, तो आपको इस सारा टर्म एंड कंडीशन पढ़ लीजिएगा। पढ़ने के बाद में आप देखिए यहाँ पर इसको बॉक्स है, यहाँ पर आप इसको टिक कर दीजिएगा। देखिए इस बॉक्स के अंदर आप टिक कर दीजिएगा, इस तरह से टिक कर दीजिएगा। टिक करने का मतलब है कि सारा कुछ आप एक्सेप्ट कर रहे हैं। जैसे टिक करने में क्या लिखा हुआ, आई बी हेयर बाई कन्फर्म दैट द इंफॉर्मेशन गिवन इन द फॉर्म इज करेक्ट एंड ट्रू ऑफ माई अवर नॉलेज। यानी कि टिक करने का मतलब है आप ये एक्सेप्ट कर रहे हैं कि आपने फॉर्म में जो भी डिटेल्स फिल किया है वो सब कुछ सही है, करेक्ट है, आपके नॉलेज के हिसाब से आपने कोई भी गलत या कोई भी फेक या कोई भी इनकरेक्ट इन्फॉर्मेशन फिल नहीं किया है। इसको टिक कर दे। टिक करने के बाद आप यहाँ दो ऑप्शन है, देखिए माफ़ करिएगा तीन ऑप्शन आता है। पहला है सेव ड्राफ्ट। आप अगर सोच रहे हैं कि अभी आप अप्लाई नहीं करेंगे आपसे, तो आप डॉक्यूमेंट को यहाँ पर जैसे आपने अप्लाई है सारा कुछ फिलअप कर दिया तो आप यहाँ पर सेव करके सेव ड्राफ्ट ऑप्शन पर क्लिक करके छोड़ दे, आपका डॉक्यूमेंट सेव रहेगा। फर्दर जब अप्लाई करना चाहिएगा तब लॉगिन करके आप अप्लाई कर सकते हैं, अदरवाइज आप सबमिट कर देंगे तो आपका डायरेक्ट अप्लाई हो जाएगा। इसके अलावा अगर आपको लगता है कि आपने कोई इन्फॉर्मेशन गलत दे दिया है या आपका कोई इन्फॉर्मेशन छूट गया है तो यहाँ से रीसेट वाले ऑप्शन पे आप क्लिक कर सकते हैं। तो तीन ऑप्शन है, सेव ड्राफ्ट यानी कि आप सोच रहे हैं कि आप सिर्फ फॉर्म फिल करके सेव कर ड्राफ्ट में सेव करके रख दें, आप फिलहाल अभी अप्लाई नहीं करना चाह रहे हैं, कुछ दिनों के बाद अप्लाई करना चाह रहे हैं तो आप सेव ड्राफ्ट करके छोड़ दें, आपका जो भी एप्लीकेशन फॉर्म है सेव होके पड़ा रहेगा। और दूसरा है सबमिट। तो चलिए मुझे सबमिट पर डायरेक्ट क्लिक करना है तो मैं सबमिट पर क्लिक करता हूँ, फिल करके सबमिट पर क्लिक करता हूँ। क्लिक करने के बाद फिर बताता हूँ कि आगे क्या होता है, तो मैं सब कुछ पहले फिल कर लेता हूँ,
जो कुछ भी है फिल करके उसके बाद मैं सबमिट पर क्लिक करता हूँ, उसके बाद फिर मैं आगे बताता हूँ। तो देखिए सबमिट पर क्लिक करने के बाद आपके पास एक फॉर्म नंबर आएगा और एक MR नंबर आएगा, ठीक है। तो सबमिट करने के बाद आपके पास एक फॉर्म नंबर MR नंबर आएगा। तो दोस्तों याद रखिए, अपना फॉर्म नंबर और MR नंबर ये दोनों आप कहीं भी नोट डाउन करके रखें, क्योंकि आगे का जो भी प्रोसेस होगा इस फॉर्म नंबर के बेसिस पे ही होगा। सबमिट करने के बाद आपको एक फॉर्म नंबर जनरेट होगा, जैसा स्क्रीन पर देख पा रहे हैं मैंने एक अप्लाई किया तो उसका एक फॉर्म नंबर आया। तो फॉर्म नंबर और MR नंबर ये दोनों चीज़ आप नोट डाउन करके रखें, क्योंकि आगे जो प्रोसेस होगा वो सारा कुछ में आपको ये फॉर्म नंबर लगेगा, तो इसको कृपया नोट डाउन कर दें। तो इस वीडियो में मैंने आपको बताया कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगता है और कैसे अप्लाई करते हैं ऑनलाइन उनके साइट पर जाके, सारा कुछ इस वीडियो में मैंने बताया। ये पार्ट वन वीडियो है। अब इसके बाद मैं बताऊँगा कि अब जो है सो ये ऑनलाइन अप्लाई करने के बाद का क्या फॉर्मेलिटीज़ है, क्या प्रोसेस है, क्या प्रक्रिया है, ये मैं वीडियो टू में बताऊंगा, यानी पार्ट टू में बताऊंगा। तो चलिए ये जब सारा कुछ आप कर देंगे तो एक चीज़ याद रखिए, यहाँ पर आप लॉग आउट ऑप्शन है, लॉग आउट ऑप्शन पर क्लिक ज़रूर कर दें। फिल करने के बाद, सबमिट करने के बाद या सेव ड्राफ्ट करने के बाद आप लॉग आउट पर क्लिक कर दें, ठीक है। अब चलिए आगे का प्रोसेस बहुत ही जल्द मैं वीडियो लाऊंगा, मैं बताऊंगा कि इसके बाद क्या क्या करना पड़ता है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू, धन्यवाद। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, और अगर चैनल अच्छा लगता हो तो चैनल को कृपया सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू, धन्यवाद।